मोमेंटम कंजर्वेशन का न्यूमेरिकल्स किए थे, और उसके अंदर जैसे ये एग्जांपल भी किया था, एक शेल है जिसका मास कितना है, 30 kg है, 30 kg का शेल है और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 48 meters per second। जब वो एक्सप्लोड हो गया, मूव करता करता फट गया, जब बॉम्ब फटता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो फटने से पहले मोमेंटम, फटने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो फटने के बाद क्या हुआ, एक ब्लॉक है 18 kg का, 18 kg का जो मास है वो स्टॉप कर गया, इसकी वेलोसिटी जीरो, बचा कितना 12 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी। तो एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना है 30 × 48, और एक्सप्लोजन के बाद इसका कितना है जीरो, और इसका कितना है 12 × v। सॉल्व करके v निकाल लो आंसर। तो एक्सप्लोजन से पहले बड़े बॉम्ब का मोमेंटम आ गया, एक्सप्लोजन के बाद छोटे ब्लॉक का मोमेंटम तो जीरो ही है, और बचे हुए ब्लॉक का मास 30 में से 12 जाएगा तो 18 आएगा, तो वहाँ से इसका मोमेंटम निकाल के वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर हमने ये वाला पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन वाला पिछली शीट में किया था, ये करना है, इस क्वेश्चन को करना है। अ कार जिसका मास 1000 kg है, तो डायग्राम बना देता हूँ, तो एक कार है जो 1000 kg की है, ट्रेवलिंग एट 32 m/s, डैशेज इंटू अ रियर ऑफ अ ट्रक, तो एक ट्रक है 8000 kg का ट्रक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 m/s। ठीक है, तो एक कार है और एक ट्रक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन द कार बाउंसेस बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 m/s, तो रीबाउंड करके टक्कर के बाद ये जो कार है ये वापस चली गई, तो बताओ ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी और ये कहाँ होगी, ये भी बताओ ये वेलोसिटी क्या होगी और ये ट्रक कहाँ जाएगा। तो टक्कर से पहले, क्योंकि कोलिजन है तो कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। कई लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये ट्रक कहाँ जाएगा, राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अभी कुछ लिखा नहीं है, वो ये सोचने लग जाते हैं कि ट्रक कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, या फिर मेरे को क्या आंसर अपना पा जाएगा। आखिरी ऑप्शन है इसका, मेरे को क्या आंसर अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वही तो निकालना है, वो पूछ रहे ट्रक की वेलोसिटी बोलो। भाई तुम्हें अगर ट्रक के बारे में तो कुछ पता ही होता तो न्यूमेरिकल क्यों कर रहे हो, तुम तो बिना पेन के वैसे सॉल्व कर देते। जब तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता तुम्हें डायरेक्शन भी कैसे पता है, तुम्हें क्या पता ट्रक का क्या होगा। तो तुम बिल्कुल भी इसका आइडिया मत लगाओ, तुम इसको कुछ डायरेक्शन मत दो। बाकी तीन केसेस की डायरेक्शन बहुत क्लियर है आपको, आपको पता है इसकी डायरेक्शन राइट है, इसकी राइट है और इसकी लेफ्ट है, जो क्लियर है उसको क्लियर रखो, जो नहीं पता उसको बात ही मत करो। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, टक्कर से पहले मोमेंटम 1000 × 32 राइट की तरफ, क्योंकि मोमेंटम राइट है, इस ब्लॉक का कितना 8000 × 4 राइट की तरफ, ये मोमेंटम राइट है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 1000 × 8 लेफ्ट की तरफ, क्यों, क्योंकि रीबाउंड कर गया, जब ये रीबाउंड कर गया वापस आ गया तो लेफ्ट का मोमेंटम क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, और इसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं है, तो आप चुप करके बैठ जाओ और लिख दो वेलोसिटी भी मुझे पता ही नहीं है। और जब पता ही नहीं है आप वेलोसिटी भी निकाल लो, अगर तो देखो वी आ गया पॉजिटिव, फिर तो समझो ट्रक कहाँ जा रहा है, राइट, और अगर जा रहा होता लेफ्ट तो अपने आप आंसर में क्या लग के आता, नेगेटिव। तो तुम्हें ये मेंशन नहीं करना, तुम्हें लगाना नहीं, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये तीन इक्वेशन, ये तीन वैल्यूज 1, 2 और 3 डिसाइड कर देंगे कि चौथे का साइन क्या होगा। तो तुम मत लगाओ, इन तीनों को अपने आप लगाने दो, अपने आप वेलोसिटी भी नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। तुम खुद लगा दोगे तो गलती कर बैठोगे, तो मत लगाओ, जो चीज़ निकालनी है
उसको अननोन रहने दो, ना डायरेक्शन पुट करो उसमें ना वैल्यू पुट करो, अपने आप ही डायरेक्शन आएगा। इसमें वी क्या आ रहा है, नॉर है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव है तो ट्रक आफ्टर कोलिजन कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स राइट, और अगर नेगेटिव आ जाता तो कहाँ आता, लेफ्ट। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक बॉडी है 1 kg और इनिशियली किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे, एक्सप्लोड, तो ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन है। बॉम्ब जब फटता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करता है, तो ये बॉम्ब फटेगा और इसके अंदर 3 टुकड़े होंगे उसके, और इक्वल बिल्कुल भी नहीं, अगर इक्वल होते तो m/3 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 होता, 1/3 1/3 1/3, यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:1:3, तो बॉम्ब फटा इस मास की रेशियो में फट गया। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले इनके मासेज निकाल लें, ये क्वेश्चन अब रेशियो प्रोपोर्शन का है, 1 kg का बॉम्ब था, किस रेशियो में फटने वाला है, 1:1:3, तो पहला हिस्सा कितने केजी का होगा, 1/1+1+3 × 1 kg ये रहा। दूसरा हिस्सा क्या होगा, 1/1+1+3 × 1 kg ये रहा। तीसरा हिस्सा क्या होगा, 3/1+1+3 × 1 kg। तो मैंने पहले 3 masses निकाल लिए, पहला मास आ रहा है 0.2, दूसरा आ रहा है 0.2, तीसरा आ रहा है 0.6। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, सबसे पहला काम मास निकालने का है। इनमें 2 टुकड़े सेम मास के हैं, तीसरा टुकड़ा बड़ा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं 2 pieces ऑफ इक्वल मासेस, 0.2 kg 0.2 kg इक्वल मासेस कैसे चले गए, परपेंडिकुलर चले गए, और कितनी स्पीड से चले गए, 30 m/s से चले गए। तो बताओ जो हैवियर पार्टिकल है 0.6 kg का, वो कितनी वेलोसिटी से गया, ये क्वेश्चन है। तो इसका डायग्राम किसी और तरीके से बना रखा है, तो मैं ऐसे नहीं करने वाला इसे, मैं इसको ऐसे ही करने वाला हूँ जैसे मैंने आपको सिखाया था। कैसे, मैंने आपको बॉम्ब जब 3 हिस्सों में पड़ता है तो मैंने ऐसे डायग्राम सिखाया था, चेक कर लो, मेरे बुकलेट के अंदर ही लिखा हुआ है कैसे। 0.2 kg इधर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30, इसका मोमेंटम है। 0.2 kg इधर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30, ये मोमेंटम है इसका। 2 छोटे टुकड़े परपेंडिकुलर चले गए, तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो तीसरे पार्टिकल को हर हालत में यहाँ जाना ही पड़ेगा 0.6 को विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, ये मोमेंटम है इसका। रीजन, क्योंकि फटने से पहले मोमेंटम था क्या, 0, फटने के बाद भी क्या आना चाहिए, 0, और वह तब आएगा जब इन दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा, और ये वेक्टर सम होगा क्या, 0.2 × 30 का स्क्वायर प्लस 0.2 × 30 का स्क्वायर। तो ये इन दोनों का मोमेंटम है नेट, और इसका मोमेंटम इधर है, और ये आपस में क्या करेंगे, इक्वल या कैंसिल, ताकि नेट मोमेंटम क्या आ जाए, 0। ऐसे सिखाया था। तो इस इक्वेशन को ऐसे बना लो, 0.6 × v की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0.2 × 30 के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए, और यहाँ पर भी 0.2 × 30 के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर निकाल लेना भी आ जाएगा। तो जब भी बॉम्ब 3 हिस्सों में फटेगा, तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करने, 2 टुकड़ों का नेट मोमेंटम निकाल के तीसरे के साथ उसे कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा। निकाल लो, वी की वैल्यू आ रही है, ठीक है यहाँ तक। तो कितना आ रहा है आंसर इसका, इसका आंसर आ रहा है कितना लिखा होगा, कितना, 14.14, ऐसे कुछ आ रहा होगा, 10√2 14.14 ही है ठीक। बाकी हमने किया हुआ है,